नमस्कार दोस्तों, मैं सुखले सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैवालों को। शैवाल का मतलब होता है एल्गी, शैवाल, ठीक है, या एल्गी, ठीक है। शैवाल कहा जाता है। शैवाल को अगर सरल भाषा में हम लोग समझें तो इसका मतलब जो होता है, जो हमारे आसपास जो है, जब ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहता है उसमें काई लग जाती है, तो शैवाल का सीधा सीधा मतलब रखेंगे काई, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में काई कहा जाता है। कुछ दिनों तक जब पानी भरा रहता है तो वो धीरे धीरे चिकना होता चला जाता है और फिर उसमें काई लग जाती है। तो यही जो काई होती है, ये होते हैं शैवाल, ठीक है। तो ये शैवाल होते हैं। अब सभी लोगों ने काई तो देखी होगी, काई कैसी होती। काई तो लगभग हरे रंग की हो जाती, धीरे धीरे जब बढ़ती रहती है तो वो हरे रंग की हो जाती है। हरे रंग के हो जाने का मतलब ये है कि उसमें पर्ण हरिम होता है। ये तो सभी लोगों ने देखा है, यानी कि पर्ण हरिम, ठीक है, या क्लोरोफिल फिल होता है, ठीक है, होता है। एक तो ये पॉइंट निकल आया, अगर वो क्लोरोफिल होता है, हरा रंग होता है, तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जरूर होती है, ठीक है। तो यानी कि इसी से हम ये बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूर होती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूर होती है, क्रिया, ठीक है, होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जो भी इनका खाना बनता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने के बाद जो भी खाना इनका बनता है, ये स्टार्च के रूप में बनता है, ठीक है, स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, सा से शैवाल और सा से स्टार्च, ठीक है, सा से शैवाल, सा से स्टार्च, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, शैवालों का अध्ययन जो कहलाता है, अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी इनका अध्ययन कहलाता है, फाइकोलॉजी इनका अध्ययन कहलाता है, ठीक है। फाई को जैसे लग रहा है किसी चीज को फेंक रहे हैं, फाइको का मतलब फेंक रहे हैं, ठीक है। वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, वॉल, वॉल जैसे होती है, वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, यानी कि किसी चीज को फेंक रहे हैं, किसके, दीवार के उस पार। तो ऐसे अपने दिमाग में समझ लेना, फेंको, 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 क्या फेंको, दीवार के उस पार फेंको, ठीक है। हर एक चीज आपको हम याद करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके होते हैं, ये कुछ शैवाल बर्फ पर उगाते हैं, जैसे उधर ठंडे प्रदेशों में उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि अंटार्कटिका पर और उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है, बर्फ जमी होती है 6-6 महीने तक का, तो उस पर भी जो है बर्फ जमी रहती है, उस पर भी काई लग जाती है, तो उसको कहा जाता है बर्फ पर जो क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है, और जो चट्टान पर जमाती है इसको कहा जाता है लिथोफाइट्स, हाइट्स, ठीक है। देखिए इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, जहां पर भी ठंडा, कहीं पर भी अगर ठंडा या बर्फ का सेंस निकलता है तो वहां पर क्रिप्टो जरूर आ जाता है, क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो, क्रिप्टो शब्द जरूर आ जाता है, क्रिप्टो शब्द जरूर आ जाता है, जहां पर भी ठंडा या बर्फ का सेंस निकलता है। कई सारे हमने पहले भी ऐसे विज्ञान बताए हैं जिनमें ठंडे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पर क्रिप्टो शब्द जरूर आता है, तो क्रिप्टो जरूर याद रखिएगा, CRY, क्रिप्टो, ठीक है। क्राई, क्राई याद रखिएगा, क्रिप्टो से क्राई याद रखिएगा, ठंडा, जैसे बर्फ, यानी कि किसी भी बच्चे की अगर बर्फ छुआ दो तो वो इतनी तेज से लगती है कि उसको रुलाई आ जाती है, रोने लगता है, क्राई करने लगता है, तो क्रिप्टो से क्राई समझिएगा, जहां पर भी बर्फ का सेंस होता है वहां पे क्राई लगता है, लगता है। और लिथो, लिथो कहां पर लगता है, जहां पर जो है चट्टान का, ऐसा भूगोल में बहुत बार आएगा, जहां पर भी चट्टान का सेंस होता है वहां पर लिथो लग जाता है। अब शैवाल जो होते हैं बहुत छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। जो छोटे होते हैं वो तो आपने देखा ही होगा कि अपने घर के आसपास जो जैसे तालाब वाला भरा होता है उसमें कितने छोटे छोटे होते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं, और लंबाई में बात करें तो 6-7 मीटर तक का होते हैं, ठीक है, 6-7 मीटर तक का इनकी लंबाई जाती है, ठीक है। जो सागर में होते हैं, काई लगी होती सागर के नीचे, वो ऐसे बिल्कुल जो है 6-7 मीटर तक का, इतने लंबे लंबे होते हैं। तो छोटे में बात करें तो 1-2 मिलीमीटर में आते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और नहीं तो बड़े होते हैं। छोटे की बात करें, अगर छोटे की बात करें तो एसीटा बलेरिया ये बहुत ही छोटा शैवाल है, नाम है ये शैवाल का, ये सबसे छोटा शैवाल है, जो बहुत ही
चिकनाहट भरा होता है, बस ज्यादा बड़ा नहीं होता। एसीटा वलेरिया, ठीक है। और मैक्रोसिस्टिस, मैक्रो सिस्टिस, ये सबसे बड़ा होता है, ये 6-7 मीटर का होता है, जो कि सागरों में पाया जाता है। मैक्रो ये याद कैसे रखेंगे, मैक्रो मैक्रो तो वैसे भी कोई चीज जो बड़ी होती है उसको मैक्रो कहा जाता है, यानी कि 10 की पावर 6 वाला हिसाब किताब, 10 की पावर 6, वही 6 मीटर की ये घास होती है। तो 6 जहाँ पर भी आता है वो मैक्रो हो जाता है, तो ये मैक्रो सिस्टिक ऐसा कुछ अपने दिमाग में याद रखेंगे। एसीटा ये सबसे छोटे होते हैं, एसीटा सीट, ठीक है। एसीटा बलेरिया जो होता है सबसे छोटा होता है। तो ये शैवालों का जो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ये शैवालों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इनकी जो सेल वॉल बनी रहती है वो सेल्युलोज को बनी रहती है, सेल्युलोज की बनी रहती है, ठीक है। सेल्युलोज कैसे समझेंगे इसको, देखिए सा से सेल्युलोज, सा से शैवाल, उसमें काइटिन की बनी होती थी, का से कवक, का से काइटिन, ठीक है। इसमें जो होता है स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च, इसमें भोजन जो है स्टार्च के रूप में होता है, सा से शैवाल, सा से स्टार्च। उसमें जो होता था कवक वाले में वो कार्बोहाइड्रेट, का से कार्बोहाइड्रेट, का से कवक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एग्जाम में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। ये होते कहाँ पर हैं, देखिए पाए कहाँ जाते हैं ये, ठीक है। तो पाए ये जाते हैं जैसे नदी ताजे पानी में भी होते हैं, ठीक है, खारे पानी में भी होते हैं, ताजे पानी में भी होते हैं, खारे पानी में भी होते हैं। और यह है क्या कहते हैं ये कछुए, कछुआ, कछुआ की पीठ पर भी हो जाते हैं, कछुए की पीठ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा चिकना चिकना हो जाता है। या घोंघा जो होता है, घोंघा, ठीक है, घोंघे की पीठ पर भी बहुत ज़्यादा चिकना चिकना हो जाते हैं, ठीक है। और चाय पत्ती, चाय चाय की पत्तियों पर भी हो जाते हैं, चाय की पत्ती पर भी हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रा के अंदर हो, हाइड्रा एक जीव होता है, उसके अंदर भी काई लग जाती है, ठीक है। हाइड्रा तो हाइड्रा के अंदर भी हो जाते हैं। तो ये जहाँ पर भी पानी एकत्र होगा ये जलीय जीव है, ठीक है। शैवाल जो है क्या है, जलीय जीव है, क्योंकि बिना जल के जो है, बिना जल के कभी भी काई नहीं लगती है, ठीक है। तो ये एक निश्चित है कि ये जलीय जीव है, पाए जाने में ये ताजे पानी में या खारे पानी में, कछुआ या इसकी जगह जो है जहाँ पर भी पानी एकत्र हो जाता है तालाब में, वहाँ वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है ना। ये अब जो है इसमें यूज क्या क्या है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, भोजन के रूप में, ठीक है, भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रेट किस रूप में होता है, स्टार्च के, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च के रूप में होता है, किस रूप में होता है, स्टार्च वाले रूप में होता है, ठीक है। और क्या होती है इसमें, विटामिन जो है ए होता है, ए बी सी डी ई, ठीक है, और सी, ये विटामिन भी इसमें होते हैं, यानी कि ये विटामिन हो गए और कार्बोहाइड्रेट हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा ही जो है यूजफुल हो गया ये, ठीक है ना। तो भोजन के रूप में भी होता है। फिर क्लोरेला, ये नाम याद रखिएगा, इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है, अंतरिक्ष शैवाल, ठीक है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने कंपार्टमेंट में जो है इसको आराम से उगा लेते हैं, और इसी का जो है भोजन इसी का करते हैं, इसी से वो जीवित रहते हैं। तो ये एक प्रकार से जो है अंतरिक्ष का भोजन हो गया, अंतरिक्ष भोजन, ठीक है, अंतरिक्ष का ये भोजन हो गया। तो ये नाम याद रखिएगा, नाम ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये इसका फिर क्या है, इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है, एक होता है सारगासम, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, ये एक होता है सारगासम, सारगासम एक होता है, सारगासम, ये सवाल होते हैं लंबे लंबे, इससे ऊन बनाई जाती है, यानी कि ऊन मिलती है, ऊन प्राप्त होती है, ऊन बनाई जाती है सारगासम से। एक होता है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है, ऊन, ऊन, ऊन से क्या सॉल बनाई जाती है ना, तो सॉल से ही साल याद रखिएगा, सारगासम, ठीक है, गासम, ठीक है, सार साल से साल याद रखिएगा, जो ओढ़ी जाती है साल, ऊन। लेमिनेरिया से आयोडीन, आयोडीन प्राप्त की जाती है लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त की जाती है, ये इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है, ये सभी आपके एग्जाम। फिर इसका क्या यूज होता है कृषि में, कृषि में क्या यूज होता है, जो नील हरित शैवाल होती है उससे
जो मिट्टी होती है उपजाऊ बनाई जाती है, ठीक है, नीलहरी शैवाल से मिट्टी उपजाऊ बनाई जाती है, मिट्टी उपजाऊ बनाई जाती है, ठीक है। और जो नीलहरी शैवाल होता है उसे जैसे कोई ऊसर जमीन है उसमें अगर लगातार पानी भर दीजिए तो सड़ने लगेगी, और लगातार पानी भरेगा तो उसमें जो है ये काई लग जाएगी, फिर वही जमीन जो है उर्वरक हो जाती है, ठीक है। तो मिट्टी जो है उपजाऊ बनाई जाती है, और अन्य कई प्रकार के ऐसे शैवाल होते हैं जिसका प्रयोग खाद के रूप में होता है, ठीक है, खाद के रूप में भी होता है, खाद के रूप में भी इनका शैवालों का प्रयोग होता है। जैसे इंसान अपने जो है खाते हैं तो उसे इंसानों को जो है विटामिन्स मिलते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए जो है इन शैवालों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, सब्जी के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, औषधि के रूप में। क्लोरेला, क्लोरेला से जो है क्लो रे लिन, क्लोरेलिन जो है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो है दवाई बनाई जाती है, क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये तो चीज़ याद। नाइट्रेला से मलेरिया, नाइट्रेला से मलेरिया की दवाई, या नाइट्रेला से मलेरिया का उन्मूलन, उन्मूलन यानी कि जो टीका लगाया जाए। और फिर क्या है, ये शैवाल जो होते हैं, कुछ शैवाल जो हैं हरे रंग के होते हैं और लाल रंग के भी होते हैं और भूरे रंग के भी हो जाते हैं, ठीक है। ये तीन रंग में, हरे रंग में भी होते हैं, लाल रंग में भी होते हैं, भूरे रंग में, ठीक है। लाल रंग के ट्राई कोडेस मियम इरी थ्रियम, ठीक है, ट्राइकोडेसमियम इरिथियम, ये लाल रंग का होता है, ट्राइकोडेसमियम इरिथियम, इसी से लाल सागर, ठीक है, लाल सागर जो है, लाल सागर में यही शैवाल पाए जाते हैं, ये लाल रंग के होते हैं, इसीलिए उसका जो पानी होता है वो लाल हो जाता है, ट्राइकोडेसमियम इरिथियम, ठीक है। तो ये ट्राई, ठीक है, तीन याद रखिएगा, ट्राइकोडे जैसे कोड़ा, किसी को जब कोड़ा मारो ना तो लाल लाल हो जाता है, तो इसे याद रखेंगे, ट्राई कोड़ा, तीन कोड़ा मारोगे तो लाल हो जाएगा, ट्राई कोड़े, ट्राई कोड़े, बस ट्राई कोड़े ही याद रखेंगे, ट्राई कोड़े इसमियम इरिथियम, ठीक है। तो इतना आपको सवाल से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इतने आपके सवाल से क्वेश्चन बनते हैं, सवाल में इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।